कुछ पक्ष पूरे इस मामले में? आप उसकी सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए जो हमारे घर की है। वो 2 साल से हमारे यहाँ काम कर रही थी, वो 12 घंटे का काम कर रही थी। 12 आवर्स काम करने के बाद अगर उसको मारती थी तो उसके वो नेक्स्ट डे काम पे कैसे आती थी? अगर आप किसी को मारोगे तो वो नेक्स्ट डे काम पे नहीं आएगी, तो वो नेक्स्ट डे भी को 2 साल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में तो आप उसे पीटते हुए नजर आ रही हैं, वो वीडियो सबने देखा है। पीटता हुआ नहीं है, वो घसीटते हुए ले जा रही हैं, मारते हुए ले जा रही हैं। वो जब 4 बजे भाग गई थी, वो भाग गई थी तो वो नीचे उस टाइम उसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका था। सिक्योरिटी गार्ड का मुझे इंटरकॉम आया कि आप इसको ले जाओ, अभी मेरे पास फीमेल गार्ड सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, रात को उनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसको ऊपर ले जाओ। तो जब मैं उसको ले के जा रही थी, वो मना कर रही थी ऊपर जाने से, तो रात को 4 बजे मैं उसको कहाँ लेके जाती? आप से पीटेंगी, इसे घसीट के ले जाएंगे, मारेंगे? नहीं नहीं, वो मान नहीं रही थी ऊपर आना, पर आपको सीसीटीवी फुटेज में कहाँ मारता हुआ दिखा? बिल्कुल मारते, और फुटेज भी आया हमारे सामने, वो चुन्नी लगा के उतर रही थी नीचे। हाँ, आप तो कह रहे हैं चुन्नी लेते हुए, कोई कह रहा है वो सीढ़ियों से, चोटें कैसे आई फिर? आप वो जो ऊपर से गिरी है और जब उसको गार्ड ने पकड़ा है, वो फायर वाली जो दीवार है उसको कूद रही थी। आपने कहा सुसाइड की कोशिश करनी थी? मैंने कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा, नहीं मैंने नहीं कहा कभी वो सुसाइड। आप कह रहे हैं कि आपने उसको पीटा नहीं कभी? आप हमारे घर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, सीसीटीवी, अगर वो हम उसको मारते पीटते थे, अगर वो 12 घंटे के बाद काम पे जाते, आपके फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, आप मिलने नहीं दे रही थी उसे? जुलाई तक वो लोग बिल्कुल मिले हैं। जुलाई के बाद क्यों नहीं मिलने दे रही थी? जुलाई के बाद वो कभी आए ही नहीं। आप मुझे बताइए, आप हमारे सोसाइटी के गेट की एंट्री बताइए, वो लोग कब मिलने आए हैं? वजह क्या थी इस बात होने की, वजह किसके किस पे? तो वो अच्छा, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाह रही थी वो? एक्चुअली इनके फादर ने 50,000 रुपीज मुझसे लिए थे। पहले मैं उनको, वो पहले 2 साल से हमारे यहाँ 12 घंटे काम करती थी, और फिर वो कर रही थी फर्स्ट मई से 6 मंथ्स का एग्रीमेंट था। एज पर फर्स्ट मई तो वो कंप्लीट होता है 30 नवंबर को। 30 नवंबर से जब मैंने 30 मई को इनके फादर को कहा अब मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं पहले अपने 50,000 पूरे करूंगी, उसके अगले महीने अगले दिन से ही इसके फादर ने जगह जगह कंप्लेंट करना शुरू किया कि मेरी बेटी बंधक है। तब तक क्यों नहीं वो बंधक थी? शिवाली जी, आप कह रही हो जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है वो आप उसे प्यार से ले जा रही हैं? प्यार से नहीं ले जा रही हूँ, वो मान नहीं रही थी जाना ऊपर। आप मुझे बताइए 4 बजे मैं उसको कहाँ रखती? 4 बजे जब वो ऊपर से आई तो मुझे बताइए मैं उसको कहाँ रखती 4 बजे? वो आप देख लीजिए, वो दांत से मेरे को काट रही थी, वो नहीं रुक रही थी। आपके तो सिर्फ एक निशान है, उसके तो कान पे निशान है, पीठ पे जब वो 12 घंटे पीठ पे नीले निशान है, यहाँ पर नाखून के निशान है। पुलिस मेडिकल गए तो मेडिकल रिपोर्ट में है शिवाली जी। जब वो 12 घंटे का काम कर रही थी तब उसको नोएडा के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, उसके पेपर भी आप देख लीजिए, तब तो वो 12 घंटे का काम कर रही थी। तो उसमें उसको डॉक्टर ने जो एक्सरे करवाया है, मैंने नहीं किया, वो डॉक्टर ने करा। आप उस क्लिनिक का नंबर और एड्रेस ले लीजिए, उसी में है। तो अब आपके आपके खिलाफ SC ST एक्ट की भी धारा लगी है, अब जाति सूचक जाति, मुझे बताया गया था कि मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं नहीं, उनके आपने उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है। तो आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया उसके साथ? मैंने कभी, मेरे को जब पता ही नहीं है दैट शी इज SC, तो मैं SC। आपने कभी पीटा नहीं उसको? आप उसके हमारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, बस DVR इन्हीं के पास है, आप वो चेक कर लीजिए। ऐसा व्यवहार जिस तरीके से हुआ, क्या ठीक था ये? मुझे ये नहीं मालूम है, आप वो चेक कर लीजिए प्लीज। तो हमने सुना ये शफाली हैं कॉल, और सोचिए जब आप बात करें, सुनिए अपने वकील से, कान में सलाम मशवरा भी कर रही थी और कह रही नहीं इनको पीटा ही नहीं। तो ये देख लीजिए, सामने वकील साहिबा हैं और बहुत प्लान करके, बहुत सोच समझ करके मीडिया के सामने आई हैं, इनके वकील से कान में सुन भी रही हैं, थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस के पास और भी सबूत हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसके फादर के पास, जिसमें वो इस लड़की को अपने पिता से नहीं मिलने देने की बात कर रही है, धमकी दे रही है। तो ये फिलहाल हमने कुछ बात करी शेफाली कॉल से, जो कह रही हैं कि नहीं वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं, और हर दोषी ये कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, हत्यारा कहता है हमने कुछ नहीं किया। तो फिलहाल पुलिस ने काफ़ी स्ट्रांग केस बनाया है, अभी भी जो परिवार वाले हैं उस लड़की के यहाँ पर हैं, और पुलिस कह रही है कि केस पूरा जो है बिल्कुल साफ है, और जब कोर्ट में पेश करेगी शेफाली को तो पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी दलीलें रखेगी और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और सोचा देखिए कि कितनी शातिर है वो,
उस वीडियो में दिख रहा है कि वो पीटते हुए ले जा रही है उसको, उसके घसीटते हुए ले जा रही है, मारते हुए ले जा रही है, तो वो बोल रही है नहीं मेरे पास कोई चारा नहीं, तो जा नहीं रही थी इसलिए मैं जबरदस्ती करके ले जा रही हूँ।